एक पुलिस कर्मी लोगों से नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे हेंट रहा था और नौकरी भी कह रहा था कि कोर्ट में नौकरी लगवा दूंगा। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कुछ पुलिस कर्मियों का लालच इतना बढ़ गया है कि वो ये भूल ही गए हैं कि जिस लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, जिस लिए उनको यूनिफॉर्म दी गई है और जिस के लिए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, सैलरियां मिल रही हैं, वो काम करना है ताकि समाज में कोई लोगों को परेशान ना करे। लेकिन ये भूल ही गए हैं कि ये किस लिए हैं। शायद लोगों के माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में ये बिठा दिया गया है कि आप लोगों को अगर पुलिस डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर बहुत पैसा है, सिर्फ पैसों की बरसात वहाँ पर हो रही है। तो लोग जो है वो इस माइंड से, इस माइंड सेटअप के साथ इस विभाग में आ रहे हैं। कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ वो खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक पुलिस कर्मी लोगों से नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे हेंट रहा था और नौकरी भी कह रहा था कि कोर्ट में नौकरी लगवा दूंगा या कुछ और विभाग जो है वहां नौकरी लगवा लेगा। और लाखों रुपए ये पुलिस का कर्मी जो था, लाखों रुपए लोगों से ले रहा था। इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी चिन्नौर की, वहां पर एक सिलेक्शन ग्रेड जो दो दिन पहले सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर जो दो दिन पहले ही मुंशी बना था, वो वहां पर एक शख्स से 8,000 रुपया मांग रहा था और एसीपी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और अब जो मैं खबर आपको सुना रहा हूं, ये आप देखें कि नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, सही जानकारी कोई देता नहीं है कि कहां जाओगे, कहां जाके क्या काम करोगे। स्पोर्ट जो है वो बहुत कम लोग करते हैं कि हाँ हम स्पोर्ट करें, इनको रास्ता दिखाएं, मार्ग दिखाएं कि आप यहाँ से जाएं ताकि अपने जीवन यापन को ये अच्छे से जी पाए और अपने परिवार का भी देखभाल कर पाए। लेकिन नहीं, उल्टा बताएंगे कि हमें पैसा दो, हम नौकरी लगवा लेंगे और हमारी पहुंच भी वहां वहां तक है जहां जहां तक आप सोच नहीं सकते, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के साथ। और जब ये ऊंचे ऊंचे अधिकारी कहते हैं तो फिर वो कौन कौन से ऊंचे अधिकारियों के साथ इनकी पहुंच है आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये जो मामला है इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला है क्या, लेकिन है पुलिस कर्मी का। ज़्यादातर खबरें इस तरह की आती हैं जहां पे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं कि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो धांधलियाँ कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से इस तरह की खबर आई है, ये हम आपको बताएं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक जानकारी के अनुसार पुलिस को 4 युवकों ने शिकायत दी और वो कहने लगे कि उनको जम्मू पुलिस में ही, पुलिस विभाग में ही तैनात एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल उन्हें चूना लगा रहा है। उन्होंने कहा कि वो उनको ये कह रहा है कि उनको कोर्ट में नौकरी दिलवा दी जाएगी तो वो उन्हें पैसा दें। इस तरह से उनसे लाखों रुपए, ये जो सिलेक्शन ग्रेड पुलिस का कांस्टेबल था ये पैसे एंड चुका लाखों रुपए। और जब इनकी नौकरी नहीं लगी तो वो पैसे उससे वापस मांगे गए तो उसने कहा कि आप रुक जाइए, किसी और विभाग में आपकी नौकरी लगवाएंगे। और फिर वो दूसरे विभाग में भी नौकरी नहीं लगी और इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और जब पैसे वापस नहीं मिले तो इन युवकों ने फिर शिकायत दी। और शिकायत के बाद हम आपको बताएं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी गलत हैं तो कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो अब अच्छा कार्य भी करने लगे हैं। मामला आया तो उन्होंने मामला रजिस्टर किया और फिर कार्रवाई भी आगे करने की, जांच करने की प्रक्रिया शुरू की। और ये जो युवक जिन्होंने कंप्लेन की, ये कह रहे हैं कि जब हम उनसे पैसा, उस पुलिस के अधिकारी से पैसा मांग रहे थे तो वो उनको धमका भी रहा था। पहले तो कह रहा था मैं इस विभाग में लगवा दूंगा, उस विभाग में आपकी नौकरी लगवा था, तो अब जब पैसा नहीं दे पा रहा शायद खर्च कर लिए होंगे, क्योंकि गलत काम करेंगे तो फिर पैसा बचेगा कहाँ। रात को मांस मदिरा भी उनको करना होता है और भी कई चीज़ें करनी होती तो पैसा हो जाता खर्च। तो बाद में जब मांगा जाता है तो फिर वो पैसा वापस दे नहीं सकते हैं, जब दे नहीं सकते हैं तो फिर धमकाने पर आ जाते हैं। और इन युवकों को भी ये पुलिस का अधिकारी, ये सिलेक्शन ग्रेड जो कांस्टेबल है,
ये उनको धमका रहा था। और अब इस पर जांच की जा रही है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और नाम हम आपको बताएं, यह नहीं पता कि यह कौन से पुलिस स्टेशन में तैनात है, लेकिन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही। और इसका नाम जो हमें जानकारी मिली है, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर इस शख्स का नाम है। तो ये देखें ये क्या काम कर रहा है, लोगों को दिलवा रहा है। पहले तो लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं है, और ऊपर से नौकरी दिलवाने के लिए लोगों से पैसे ले रहे हैं, और वो जो लोग आके पैसे दे रहे हैं वो भी ना जाने कहाँ से, कोई ज़मीनें बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, और इनको पैसे दे रहा है, और ये लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।